दोस्तों वाइल्ड डॉग झाड़ियों में शिकार करने वाले बेहतरीन शिकारियों में से एक माने जाते हैं। अगर ये एक बार किसी जानवर को अपना टारगेट बना ले तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो जानवर इनकी चंगुल से बचकर निकल जाए, क्योंकि इनके शिकार करने की स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। अगर आप इन वाइल्ड डॉग के शिकार करने के तरीके से रूबरू होना चाहते हैं तो फिर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। इस वीडियो में हमने इन्हीं क्रूर मोमेंट्स को दिखाया है जिन्हें देखकर आपके होश भी उड़ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कुडू अफ्रीका में पाए जाने वाले बड़े आकार के हिरन होते हैं। अगर ये किसी वाइल्ड डॉग को अपनी लात भी कस के मार दे तो फिर तुरंत ही उस वाइल्ड डॉग की हड्डी टूट सकती है। लेकिन इतना ज्यादा रिस्क होते हुए भी ये अफ्रीकन वाइल्ड डॉग अक्सर ही कुडूस का शिकार करते रहते हैं। ये कुडूस का शिकार करने के लिए सबसे पहले उसके पैरों पर हमला करते हैं, और जब कुडूस घायल होकर दौड़ नहीं पाते तो उसके बाद ये सभी वाइल्ड डॉग्स मिलकर उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पानी में दो वाइल्ड डॉग्स कुडूस के पीछे पड़े हैं। उनके मुकाबले ये कुडूस इतना बड़ा है कि ये खुद को डिफेंड कर पा रहा है, जबकि यहाँ पर एक फीमेल वाइल्ड डॉग ने इस कुडू को अकेले ही मार गिराया है और अपने जबड़ों से खींचते हुए किनारे तक ले आई है। ये दो वाइल्ड डॉग जब तक इस कुडू को उलझाए हुए हैं, जब तक कि यहाँ पर इनका पूरा झुंड नहीं पहुँच जाता। हाइनास जंगली कुत्तों के द्वारा बहुत ही बुरी तरह से कुचले जाने के बावजूद भी ये हैना अपने पास के ही झुंड के हैनास को बुलाने के लिए सक्षम है। बुरी तरह से घायल होने के बाद भी वाइल्ड डॉग्स ने इन्हें अभी तक जिंदा खाना शुरू नहीं किया है, बल्कि वो इसे अभी भी सूंघ ही रहे हैं। ये सभी वाइल्ड डॉग इस बात से डर रहे हैं कि अगर गलती से हैना ने किसी भी वाइल्ड डॉग को अपने नोकीले दांतों से चबा लिया तो समझ लो उसकी शामत भी आ सकती है। खैर यहाँ पर यह हैना चिल्लाता है मदद के लिए, लेकिन उसके साथी कहीं दूर है जो कि उसकी मदद के लिए नहीं आ पाते, और जिस वजह से कुछ देर में ये जंगली कुत्ते उसे मार के खा जाते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक अकेले हैना पर अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स के झुंड ने चारों तरफ से घेर कर बहुत ही बुरी तरह से हमला कर दिया है। हैना अपने आप को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसके आगे क्या हो पाता है ये कोई भी नहीं जानता। वाइल्ड डॉग वर्सेज वाइल्ड बीस्ट। वाइल्ड बीस्ट एक बड़े आकार का गाय जैसा दिखने वाला अफ्रीकन जानवर होता है। यहाँ पर एक वाइल्ड डॉग ने वाइल्ड बीस्ट के बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया है, और इस शिकार में उसका साथ देने के लिए दूसरे वाइल्ड डॉग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस क्लिप में वाइल्ड डॉग पहले तो एक बड़े वाइल्ड बीस्ट को अपना शिकार बनाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो इस चीज में असफल हो जाते हैं तो फिर वो वाइल्ड बीस्ट के बछड़े को ही अपना शिकार बना लेते हैं, और फिर बाद में कुत्तों का पूरा झुंड मिलकर उसके बछड़े को खाने लगता है, और इसके बावजूद वाइल्ड बीस्ट का पूरा झुंड देखता ही रह जाता है। जेब्रा वाइल्ड डॉग्स के लिए जेब्रा जैसे बड़े और मजबूत जानवर का शिकार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये कुत्ते इतने भूखे होते हैं कि इतना बड़ा रिस्क उठाकर जेब्रा का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। इस क्लिप के अंदर ये वाइल्ड डॉग्स एक मरे हुए जेब्रा को जैसे ही खाने की कोशिश करते हैं और उन्हें तुरंत ही एक शेरनी की महक आ जाती है, तो फिर वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि इस जेब्रा को शेरनी ने मारा है, और अब वो शेरनी के शिकार को खाने की बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। और जब उन्हें भनक पड़ जाती है कि शेरनी नजदीक आ रही है, तो फिर वो वहाँ से तुम दबाकर भागने में ही भलाई समझते हैं और चुपचाप निकल लेते हैं। लेपर्ड एंड पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स। दोस्तों शायद आपको मालूम होगा कि तेंदुआ अक्सर ही दूसरे जानवरों को खाना चुराकर ही खाता है। इस क्लिप में ये तेंदुआ इन वाइल्ड डॉग्स के शिकार को चुराकर भागता है, लेकिन जब अंत में शिकार को मुंह में दबाए हुए पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है तो फिर शिकार उसके मुंह से छूटकर नीचे गिर जाता है, और अब जिसके बाद ये वाइल्ड डॉग्स तेंदुए के मुंह से अपने खाने को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, और फिर इसके बाद पूरा झुंड बंजे से अपने शिकार को खाकर अपना पेट भरता है। इस क्लिप में ये तेंदुआ भले ही पेड़ पर है और वो जंगली कुत्तों से घिरा होने के कारण अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहा है, इसके बाद उसे जैसे ही मौका मिलता है वो पेड़ से कूदकर तेजी से भागता है। इसके बाद वाइल्ड डॉग्स भी उसका पीछा करते हैं, जिस वजह से वो दोबारा से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी जान बचाता है। इस चीज से हमें ये मालूम चलता है कि अगर कुत्ते झुंड में हो तो शायद ही उनका मुकाबला कोई कर सकता है। ऑरेक्स भी हिरन की प्रजाति में ही आते हैं, लेकिन वाइल्ड डॉग्स के लिए ऑरेक्स का शिकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी भूख लगने पर ये वाइल्ड डॉग्स ऑरेक्स का शिकार करने में पीछे नहीं हटते। जहाँ पर इस ऑरेक्स का शिकार करने के लिए इन वाइल्ड डॉग्स ने अपने झुंड के साथ चारों तरफ से ऑरेक्स के ऊपर हमला कर दिया है और हर तरफ से उसे नोचना भी शुरू कर देते हैं। अब बेचारे ऑरेक्स के पास अपनी जान को बचा के भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। वाइल्ड डॉग्स इस ऑरेक्स को जब तक काटते हैं और जब तक कि उसके ऊपर की चमड़ी न हट जाए, और फिर क्या था, इसके बाद बड़े मजे से उसको खाते हैं। अब इस क्लिप में देखिए ये सभी वाइल्ड डॉग्स मिलकर इस ऑरेक्स का शिकार कर रहे होते हैं। पहले तो ये ऑरेक्स खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो बेचारा सफल ही हो जाता है, और ये सभी वाइल्ड डॉग्स मिलकर उसे चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से नोचने लगते हैं, और लास्ट में ये वाइल्ड डॉग्स का लजीज भोजन बन जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों जाते जाते लाइक जरूर कर देना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।